नमस्ते, मैं हंसराज तंवर, कवि और शिक्षक, निवासी बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक। जन सरोकार मंच यूट्यूब चैनल से आज मैं विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 19 अगस्त 2021 को मैंने एक पत्र, आज बापूजी जीवित होते तो हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हम सबके लिए क्या संदेश देते, इस भारत को क्या नई बात वो बताते, ऐसी कल्पना करके बापूजी का नाम चिट्ठी लिखी गई है। और इस चिट्ठी की प्रेरणा देने वाले आदरणीय श्रीमान सूरज सिंह जी नेगी साहब और उनकी पत्नी मीना जी सिरोला जी और हमारे सबके चित परिचित डॉक्टर चंद्रमोहन जी उपाध्याय जी सर, इन्होंने पत्र लेखन विद्या को पुनर्जीवित करने के लिए पार्टी अपनों की मुहिम चला रखी है। उसमें अब तक 15 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। उसी की श्रृंखला में बापू की चिट्ठी नाम से ये पुस्तक पार्टी मुहिम के सभी सदस्यों के द्वारा इसमें लिखे गए लगभग चुनिंदा 73 पत्र शामिल किए गए हैं, जिनमें मेरा भी पत्र है। तो आज मैं इस पत्र को आप सब पाठकों के लिए, आप सब देशवासियों के लिए पढ़ रहा हूं। जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। पत्र लेखन विधा एक ऐसी विधा है जिसमें हम अपने मनोभावों को बड़े ही वात्सल्यपूर्ण तरीके से रखते हैं और पत्रों को हम बार बार पढ़ते हैं। ऐसे भाव हमारे मन में होते हैं, हम पत्रों को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। इसी तरह का एक पत्र, बापू की चिट्ठी लिखा गया, जो मैं आपके सामने उसका वाचन कर रहा हूं। प्रिय हंसराज हंस जी, सप्रेम नमस्कार। आप और आपका परिवार सकुशल मंगलमय होंगे। आज मैंने एक खास उद्देश्य को लेकर ये पत्र आपको लिखा है। बापूजी कह रहे हैं, ये सबसे पहले मैं आजाद भारत में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आजादी के लिए देशवासियों ने कितना कुछ खोया था। हमारे हजारों लोग शहीद हुए थे। इसलिए अब आपका दायित्व बनता है कि आप उनके सपनों के भारत को बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करें। हमें ऐसा देश बनाना है जिसमें कोई ऊंच नीच का भाव न हो, छुआछूत न हो, धर्म भाषा के नाम पर दंगा फसाद ना हो। सबको अपना विकास करने के लिए अवसरों की बराबरी हो, न्याय समता और समानता सबको मिले। अमीर गरीब का भेदभाव न हो, सभी को आवश्यक जरूरत, रोटी कपड़ा और मकान नसीब हो। सब देश में खुशी वो प्रसन्नता के साथ रहे, अपनी क्षमता अनुसार देश के विकास में योगदान दें। इसके लिए मैंने अहिंसा के सिद्धांत पर कार्य करके देखा है। मैं हमेशा ईमानदारी पर चला हूं। आपको भी इन बातों का पालन करते हुए देश सेवा करनी है। मैंने ईमानदारी का संदेश दिया ही नहीं, बल्कि ता जिंदगी ईमानदार रहकर सत्यता के साथ सबका विश्वास सहयोग प्राप्त कर
सभी को एकता के सूत्र में बांधा है, पर आज 75 वर्ष के बाद भी मैं देख रहा हूं कि भारत देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। नारी शक्ति का सम्मान नहीं हो रहा है, मातृशक्ति हमेशा असुरक्षा के वातावरण में जी रही है। देश को उन्नति वो विकास के नाम पर बहुत बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है। अंधाधुंध रात दिन पेड़ों को काटा जा रहा है, गाँव में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाकर आत्मनिर्भरता वो छोटे छोटे घरेलू धंधों को समाप्त कर दिया गया है। बिग बाजार बना रहे हैं, प्रकृति का बेहिसाब दोहन किया जा रहा है। ऐसा विकास किस काम का जो हमें विनाश की ओर ले जाए। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना छिन्न भिन्न कर दिया गया है। प्रकृति शोषण के भाव से प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया है। इसके कारण आप देख रहे हो विश्व को हर 100 साल में कोई ना कोई संक्रामक महामारियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अब भी आपसे कहता हूं, भारत गांवों का देश है। जब तक गांवों की आत्मनिर्भरता वापस नहीं लौटेगी, तब तक हमारा सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता है। आपको किसान व जवान का सम्मान व आदर करना होगा, उनकी आय को पक्का करना ही पड़ेगा। देश के सभी बालिकाएं शिक्षित ही नहीं, उनको सुसंस्कारित बनाकर दीक्षित भी बनाना होगा। इन सब कार्यों को आपको निरंतर करते रहना होगा। शिक्षा को स्वरोजगार नोमुखी बनाना होगा, ताकि बच्चों में सृजनात्मकता रचनात्मकता का विकास हो। वह पढ़ लिख कर स्वयं का रोजगार करके देश के विकास में सहयोग व योगदान कर सके। उनको मात्र किताबी ज्ञान देकर बेरोजगारों की फौज में खड़ा मत करो। बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि युवा बेरोजगार होने से वह देश के लिए बड़ी समस्या पैदा करते हैं। कहा भी गया है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बच्चों को नई नई तकनीक के प्रयोग सिखाने के साथ साथ नैतिक मूल्यों संस्कारों का ज्ञान कराने की भी महती आवश्यकता है, क्योंकि बिना संस्कार के व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है, पर वह दीक्षित नहीं होता है। आप मुझे ही देख लो, मेरे पास कोई पद सत्ता ताकत नहीं थी। मैं दुबला पतला इंसान था, पर मेरे मन में ईमानदारी वो बदलाव के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर काम करने की प्रेरणा थी। उसी के बल पर मैंने सबको साथ लेकर कार्य किया था। आपको भी उसी प्रकार हर देशवासी के मन में राष्ट्र के प्रति सेवा भाव जगाना होगा। उसके लिए पहल आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि देश होगा तो हम सब होंगे। बिना देश के हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए देश प्रेम की भावना सभी में हो, सभी देश के विकास के लिए अपनी क्षमता अनुसार सहयोग देने का भाव हमेशा अपने मन में रखें, साथ ही उसका समय समय पर प्रकटीकरण भी करते रहें। देश सेवा हेतु आपको कोई बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे छोटे काम जैसे हर वर्ष पौधे लगाकर उनका संरक्षण संवर्धन व सामाजिक स्वच्छता पर पूरा ध्यान देकर बालक बालिकाओं में भेदभाव नहीं करके आदि ऐसे अनेक काम हैं जो प्रत्येक व्यक्ति करने लग जाए तो देश खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं, परिवारों से ही समाज बनता है, समाजों का समूह देश कहलाता है। सभी के मन में सहयोग आदर सम्मान और न्याय की भावना पैदा हो। सभी यहाँ खुशहाली के साथ रहे तो वह दिन दूर नहीं जब वापस भारत देश में पहले की तरह दूध दही की नदियां बहने लगेगी। भारत निश्चित रूप से विश्व में सिरमौर बनकर उभरेगा। आने वाले समय में सबका मार्गदर्शन करने वाले विश्व गुरु देश का दर्जा पा सकेगा। ऐसी मेरी आपसे कामना है। सभी परिवारजनों को मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद कहना। तुम्हारा बापू। इस तरह ये पत्र बापू चिट्ठी के नाम से पुस्तक में प्रकाशित है। और आज जो जनसंकार मंच के संयोजक देवेंद्र जी और उनकी टीम ने मेरे को जो अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
और इस तरह के कार्यक्रम से हमारा मनोबल लगातार आप बढ़ाते रहते हैं। जनसंवाद मंच बहुत सारी इस तरह की रचनात्मक सृजनात्मक गतिविधियां करता रहता है, इसके लिए मैं उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।